सर। ओके सो माय नेम इज जीकेएम सर गौरव कोठारी मैथमेटिक्स एंड माय नंबर इज दिस। इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विथ मी बट बेटर होता है कि इंटरेक्शन हमेशा हमारा मैथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वहीं पे करना। ओके तो चलो अब बिफोर एनीथिंग स्टार्ट करते हैं, फिर बातें तो टाइमली करते ही रहेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज? सीरीज इज समथिंग इन द लाइन लाइक 1 2 3 4 एंड सीक्वेंस इज समथिंग व्हिच वी आर एडिंग लाइक 2 + 4 + 8। बट तू उल्टा बोला बच्चे, दिस इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस इज समथिंग रिटन इन ऑर्डर while series is what series is what summation of them series is summation of them agar hum series bole to yes this is a series hai dono same hi cheez na bachcho series is the summation okay while sequence is numbers written in some order bhai co-host ka kaam kya hai participants ka ye icon on karke rakho jaise koi nalayak panti kare uda do एक वार्निंग दे देना भली अगर जेनाइन बच्चा हो तो, अगर जेनाइन नहीं लगे फालतू नाम लगे उड़ा दो। इज दैट क्लियर पार्टिसिपेंट्स सॉरी को-होस्ट? यस सर। यस सर। बट एट द सेम टाइम योर फर्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हियर, है ना, फिर वो ध्यान रखना। ओके सो एज आई सेड सीक्वेंस है, बस कोई सीक्वेंस है, कोई नंबर्स है जो किसी ऑर्डर कोई रूल के हिसाब से लिखे गए। जैसे सबको पता है ये सीक्वेंस कौन सी है, फर्स्ट वाली 2 raised to n जीपीए करेक्ट और नॉट 2 4 8 16 32। यस सर। अरे गांव वालों जोश का है भाई, सबको क्लियर है ना जीपीए? यस सर। हां तो होगा यार। यस सर। थैंक्स सर। अभी ना कभी तो सर। और ये क्या है, सीरीज है। सीरीज इज जस्ट द समेशन ऑफ अ सीक्वेंस। इज दैट क्लियर यहां तक? तो हमें इस चैप्टर में सीक्वेंस भी देखना है, सीरीज भी देखनी है, बाद में हमें बहुत सारी जो नॉन स्टैंडर्ड सीक्वेंस है उनकी भी सीरीज देखनी है। स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस कौन सी है, एपी जीपी एचपी, तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर उनके समेशन के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ नॉन स्टैंडर्ड सीक्वेंस मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, रैंडम नंबर्स बट कुछ ना कुछ रूल होगा, उनका भी सीरीज देखेंगे हम। क्लियर है इस चैप्टर में? काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस सर। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारे लिए अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रिगो क्वाड्रेटिक ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक आध आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, हम काफी डिटेल में करेंगे, देख लेना ये कितना स्ट्रॉन्ग कराऊंगा तुम्हारा चैप्टर है, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे अपने आप पे भी। तो यू विल एंजॉय दिस स्लॉट। हर लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस शीट करेंगे हम, प्रैक्टिस शीट के डाउट्स करेंगे, बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है किस तरीके से हम करते हैं। बुकलेट डिस्कस करेंगे, बुकलेट में हर क्लास का होमवर्क दूंगा, यू विल डू इट एंड कम इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस दैट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So, बहुत सारी सीक्वेंस हो सकती है बच्चों। ये एक और सीक्वेंस है जैसे तुम्हें पता है, इसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, एरिथमेटिक सीक्वेंस, है ना, ये एपी है। तो अभी तुम्हें ये जानना नहीं है कि एपी क्यों है या ये जीपी क्यों है, वो सब बताऊंगा, बट दीज आर जस्ट सीक्वेंसेस एंड उन सब के समेशन को बोलते हैं सीरीज। तो अब इसमें कुछ हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं बच्चों, देखो इधर टर्मिनोलॉजी टर्म्स। हर सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हाँ, तो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। व्हेन आई एम टीचिंग यू, योर आईज एंड योर अटेंशन एंड योर वॉइस शुड बी क्लियरली ऑन द स्क्रीन, समझ रहे हो? कुछ लिखना नहीं है व्हेन आई एम टीचिंग यू, पूरा इंटरेक्शन देना है और समझने की कोशिश करनी है, फिर मैं बोलूंगा, कोई डाउट है तो डब डाउट पूछना है, उससे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड देन डाउट क्लियर होते ही या उसके साथ ही मैं बोल दूंगा कॉपी करो, तब कॉपी करना। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस सर। यस सर। सो आई विल गिव यू टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट कॉपीइंग, योर फर्स्ट एंड फुल्ली फोकस शुड बी ऑन ही अंडरस्टैंड करना है भाई। नोट्स के रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, नोट्स के स्क्रीनशॉट तुम्हें मिल जाएगा, सो दैट इज नॉट अ कंसर्न। ओके सो एलिमेंट्स एंड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, द नंबर्स और द एलिमेंट्स और द टर्म्स और द एक्सप्रेशन प्रेजेंट्स expression present in the sequence is called the elements or terms. Unko hum usually TN se denote karte hain. TN denotes the nth term of the sequence. Correct or not?
यस और नो बच्चों, जैसे टी टू है तो टी टू क्या होगा, टी टू इज द सेकंड टर्म, तो इस सीक्वेंस का 2, 5, 8, 11, 14 सीक्वेंस का सेकंड टर्म कौन है? 5. बस कुछ नहीं बताया. सेकंड इज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. सो नंबर ऑफ टर्म्स को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उसको यूजुअली एन से डिनोट करते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है. थर्ड, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. फर्स्ट टर्म की काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए फर्स्ट टर्म को हम टी वन से तो डिनोट करते हैं ऑब्वियसली, उसको कभी कभार ए से भी डिनोट करते हैं स्मॉल ए. लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस वो भी कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं बट कभी कभार. तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? कम ऑन, अगर टोटल एन टर्म्स है सीक्वेंस में तो लास्ट टर्म क्या होगा? टी एन. और यूजुअली एल से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को, एल से. ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. जनरल टर्म का मतलब ये होता है, एज द वर्ड से जनरल टर्म, जनरल में क्या है कि इफ आई पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन आई गेट ईच एंड एवरी टर्म. इफ आई पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन आई विल गेट ईच एंड एवरी टर्म. जैसे कि देखो, अगर मैं लिखूं टी एन, जनरल टर्म को हम यूजुअली टी एन से डिनोट करते हैं. यस, लास्ट टर्म को भी टी एन करते हैं, जनरल टर्म को भी टी एन से करते हैं. शुरुआत के केसेस में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम टी आर भी यूज करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. शुरुआत टी आर यूज करेंगे, टी आर यूज करेंगे. और जैसे तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर टी आर लिखूं टी एन लिखूं, तुम सबको समझ में आ जाएगा, वो एक ही बात है. ओके, सो इफ आई से जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस टी आर इज इक्वल टू, लेट्स से क्या लिखूं, 2 + n - 1 × 3, ये ऐसा दे दिया मैंने, या फिर सिंप्लीफाई करके दे दिया, चलो 3n - 1 इज द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. 3r, r के टर्म्स में लिखा है तो r के टर्म्स में कर देते हैं बच्चों. सो ये गिवन है, लेट्स से. सो कैन आई से ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r रखने से मेरे पास सब टर्म्स आ जाएंगे? कम ऑन. कितना हो गया? 9 - 1 = 8. सबको दिख रहा है ऊपर वाली सीक्वेंस का ही जनरल टर्म लिखा है मैंने, 2, 5, 8, 11 का. वो कैसे लिखा? क्योंकि वो मुझे फॉर्मुला याद है एपी का, वो तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बट यू शुड अंडरस्टैंड इज वॉट जनरल टर्म का मतलब क्या होता है. जनरल टर्म इज जस्ट एन फॉर्मुला और एन एक्सप्रेशन इन विच बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर वी गेट ईच एंड एवरी टर्म. इज दैट क्लियर इनफ? बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन और आर वी गेट ईच एंड एवरी टर्म. इज दैट क्लियर? यस सर. देन लास्ट टर्मिनोलॉजी, फिर आप सब कॉपी कर लेना. समेशन ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स कैसे डिनोट करेंगे? गेस करो. इट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स. तो कैन यू गिव मी अ फॉर्मूला ऑफ Sn इन टर्म्स ऑफ T1 T2? क्या होगा? n by 2 whole into plus T2 plus up to T1 plus T2 plus T2 3 n minus 1 Tn minus. Come on, Tn तक ना यार. Tn yes. हाँ, सुनो. एक बच्चा n माइनस वन बोला, क्यों? क्योंकि वो एपी के समेशन का फॉर्मूला बोल रहा था कुछ ऐसा. बट मैंने क्या एपी के लिए लिखा रहा हूँ या ये सारी सीक्वेंस के लिए लिखा रहा हूँ? डोंट टेक अ प्री नोशन की इसकी बात कर रहा हूँ. Sn इज T1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस अप टू nth टर्म्स. सो इफ आई राइट लाइक दिस, लेट्स सी, सब बच्चे कंफर्टेबल है क्या? ये पता है सबको? एक्सपांशन यही होता है. सबको कंफर्टेबल यहाँ तक? चलो कॉपी करो यहाँ तक जल्दी से. जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है कॉपी कर लो. व्हाटएवर यू लाइक कॉपी.
हाँ बच्चे बोलो। तो ये एबी जैसा ही है ना? ये एपी जैसा नहीं, हम हर सीक्वेंस की बात करें बच्चे, वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एपी। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही चालू होने वाला है आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स एपी। ओके, तो हमने जो अभी टर्मिनोलॉजी लिखी है तो बता किसके लिए, सिर्फ एपी के लिए या हर सीक्वेंस के लिए? एपी जीपी एचपी सबका फर्स्ट टर्म क्या बोलेंगे हम? A1 बोलेंगे। सबके नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। सबके जनरल टर्म को क्या बोलेंगे? टीआर या टीएन। तो तुझे पता तो होना चाहिए ना जनरल टर्म क्या होता है। क्लियर सुमित? यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो। बस इतनी, ये डेफिनेशन तो अभी पहली बार लिख रहे हैं, उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। डोंट टॉक अबाउट प्री नोशन टर्म्स। कुछ बच्चे कॉमन डिफरेंस पढ़ रहे हैं, मैंने कहीं कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज किया है क्या? तो अभी बिल्कुल उसके बारे में आज पूछो। डोंट टॉक अबाउट प्री नोशन थिंग्स। चैट पे लिखना बहुत आसान होता है, सबके वजह से फालतू डाउट नहीं। जो पढ़ा रहा हूँ उसमें अभी डाउट पूछो, लेक्चर के एंड में सब वेग डाउट पूछा करो। सर इसका इससे क्या लेना देना होगा, वो सब लेक्चर के एंड में। अभी जितने हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करो, उसके बारे में कोई डाउट हो तो। नेचुरल नंबर्स ही हो सकता है। यस बच्चे तू बता क्या 1.2 टर्म कुछ होता है क्या? नहीं 1.5 टर्म। हां ना सर। तो n इज अ नेचुरल नंबर ऑब्वियसली। सर ऊपर करो ना एक बार। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन प्लीज। जल्दी से फोर्थ तक कॉपी कर लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना प्लीज, सेकंड पॉइंट लिख रहा था। सुन ले, चुप रहे। नीचे ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबके अलग अलग स्पीड होती है। फिर सबके मैं इंडिविजुअल ख्वाहिशें पूरे करने बैठूंगा ना, यही हो जाएगा। आई विल स्क्रॉल डाउन एंड अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू माय विल, मैं डिसाइड कर। सर आप म्यूट हो गए। हां स्क्रॉल डाउन करने से पहले आई विल आस्क यू, तो उससे पहले मुझे ऊपर नीचे करके मत तंग करो, वो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। वो छूट जाएगा तो आई विल आस्क यू कि कैन आई टर्न द नेक्स्ट पेज, तब बोल देना। ये क्या, एक क्लास में अपन अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे तुम्हें पूछना है। तो समेशन ऑफ टर्म्स और ये सब चीजें क्या है, मैं इस पूरे चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ती जानी है। तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं सोचना है कि समेशन ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा, वो सब धीरे धीरे आएगा। अभी तो सिर्फ क्या हेडिंग है, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, कि इनको क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, वो नहीं सिखाया अभी। जनरल टर्म अभी के लिए तुम्हें दे रखा है, तुम्हें निकालना नहीं है। धीरे धीरे इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे निकालना है। समेशन ऑफ टर्म्स तुम्हें अभी दे रखा है, तुम्हें निकालना नहीं है। जब निकालना होगा तब सिखाऊंगा कैसे निकालना है। अभी सिर्फ समझना है, अच्छा ये SN होता है। कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? कैन आई टर्न द नेक्स्ट पेज? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. एक लाइन छोड़ देना, अभी एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा मैं। Leave one line after this. फिर क्वेश्चन करो एक पहले, फिर एपी की स्टार्ट करते हैं। After you do one or two questions. Find the third term of the sequence. Given as Tn plus 1 is equals to 2Tn divided by 2Tn plus 1, where T1 is 2, and this is true for all n to be natural number. ये सिंबल सबको पता है ना, इसका क्या मतलब होता है?
नेचुरल नंबर मतलब यहाँ पे n को मिनिमम क्या डाल सकते हो? वन डाल सकते हो, टू डाल सकते हो, थ्री डाल सकते हो ना? यस सर। तो उसके थ्रू मुझे थर्ड टर्म निकाल के बताओ। चलो आराम से कर लो एंड डोंट से द आंसर। आंसर हमेशा चैट पे लिखोगे, आंसर बोलोगे नहीं। करो ध्यान से करो, इतनी मिस्टेक्स नहीं, जूते खाओगे। जैसे n को 1 रखोगे तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी? t2 की, करेक्ट और नॉट एवरीवन? 2t2 डिवाइडेड बाय 2t2 प्लस सॉरी 2t1 डिवाइडेड बाय 2t1 प्लस 1t1 दे रखा है, यहां से t2 निकालो। फिर n को 2 रखोगे तो t3 निकल जाएगा। कम ऑन, सो कोहोस्ट में मैसेज करना, होस्ट पे, हमेशा होस्ट पे। मानस इनकरेक्ट, आस्था इनकरेक्ट, शिवांग करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, रवि रॉन्ग, हर्ष करेक्ट, पार्थ नलायक गलत, अनुषा करेक्ट, अक्षत सही, सानिध्य सही, आस्था पांडे आराम से चेक कर बच्ची, डोंट बी नारी, सुमित करेक्ट, सनिका करेक्ट, कुशल करेक्ट, डायना गलत, शिल्पी करेक्ट, अनिशा नॉट करेक्ट, मानस रॉन्ग। यार मानस बच्चे जूते खाने चाहिए तेरे को सच्ची में। क्या लिखा है तूने? t2। मैंने क्या पूछा है मानस? देख क्या पूछा है, हैं? क्या पूछा है जल्दी बोल। t n plus 1 सर, t1 रखा था सो तो है ना, इसलिए t2 आया। बच्चे दैट इज नॉट माय कंसर्न, क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने ये बता बस मुझे। व्हाट आई हैव थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, तो फिर व्हाई यू आर सेइंग समथिंग एल्स, गलत बात, ढंग से कर। पार्थ अरोरा करेक्ट, तनिषा करेक्ट, आयुष मिश्रा करेक्ट, ध्रुबा करेक्ट, श्रेया करेक्ट, श्रेयस सिली मिस्टेक, यश भटके करेक्ट, आयुष मिश्रा रॉन्ग, ऋग्वेद करेक्ट। चलो अब तो सबका आ गया बच्चों, आगे बढ़े, इसमें कोई धमाके वाला क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। सो बस ये हर रिलेशन के लिए ट्रू है। तो मैंने n को सबसे पहले 1 रखा ताकि t2 आ जाएगा, am I correct ना बच्चों? 2 into 2 plus 1, yes sir, so 4 upon 4 plus 1, t2 की वैल्यू आ गई 4/5, but हमें t2 नहीं पूछा है, हमें थर्ड टर्म पूछा है, तो अब n को 2 रख देंगे ताकि t3 का एक्सप्रेशन आ गया किसके टर्म्स में? t2 के टर्म्स में, तो अब t2 की वैल्यू डाल दूंगा, 2 into 4/5 divided by 2 into 4/5 plus 1, तो 8/5 divided by 8 plus 5, 13 by 5. So answer is 8 by 13 is the answer. Is everyone clear yahan tak? Yes, sir. Yes, sir. Toh main ek question puchna chahta hu. Kya ye koi standard sequence hai kya? Kya AP hai, GP hai, HP, aisa kuch hai ya non-standard? Sir, aisa non-standard. Non-standard. Toh, pata bhi nahi hai AP, GP, but I am saying ye koi specific sequence nahi, iska koi naam nahi hai. मैंने तो कोई भी एक रूल बना दिया उसके हिसाब से सीक्वेंस डिफाइन कर दी ना, कम ऑन एग्री करो। मैं तो सीक्वेंस ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, देखो tn इज n स्क्वायर जब n इवन ले लो, और जब n ऑड है तब 2n + 1 ले लो, कम ऑन ये भी एक सीक्वेंस हो गई, एग्री करो। यस सर, यस सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड देयर आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, यस और नो? यस सर, यस सर, बट सम विल बी स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसके बारे में हमें डेप्थ में पढ़ना चाहिए ना। तो वो स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस कौन कौन से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में बताइए? एपीजीपीएचपी और एजीपी भी बोलते हैं, वो तो मैं भी समझने की जरूरत नहीं है, एपीजीपीएचपीएस। और फिर हम कुछ नॉन स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस का सीरीज पढ़ेंगे। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, ये रूल बस ये कोई क्वेश्चन ने डिफाइन कर दिया, तुम्हें t1 दे दिया, t1 की मदद से अब तुम सारे टर्म्स निकाल सकते हो, एग्री करो? यस सर, यस सर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नो नो डाउट सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
for a sequence if sum of n terms Sn is n square plus 3n. ये लिखने की जरूरत नहीं है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ऑब्वियस है. देन फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकंड फाइंड द जनरल टर्म. आराम से करो. करेक्ट यश. बच्ची मैं जब पूछता हूं कि मैं कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज, फिर उसके बाद मैं पीछे वापस नहीं जाऊंगा बच्ची. अभी पहली बार जा रहा हूं तो ध्यान से कर. जब मैं बोलूं नेक्स्ट पेज तो उससे पहले बता दिया करो, या तो सर वेट प्लीज देख ले. एंड एनीवे कभी कोई क्वेश्चन छूट भी गया बच्चों, अब तक तो तुम्हें समझ में आता है. यू शुड बी फोकस ऑन द करंट थिंग ना, नेवर बॉदर अबाउट द प्रीवियस थिंग, वो बाद में आराम से देख लेना. ऑलवेज फोकस ऑन द करंट थिंग्स. करो जल्दी से दोनों पार्ट करो. TN निकालना मैंने सिखाया नहीं है, बट तुम में आ सकता है. कोशिश करो. फर्स्ट टर्म निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है. फर्स्ट टर्म T1 इज सेम एज S1. ऑल ऑफ यू एग्री ऑर नॉट? Yes, sir. Sum of one term. इसका क्या मतलब है? That is T1 only. सबको याद है Sn क्या होता है? T1 plus T2 plus T3 plus up to Tn होता है. तो T1 is S1. N को 1 रख दो. 1 plus 3, 4 आ गया है तो ठीक है. T2 निकालो, T3 निकालो, या फिर Tn के बारे में सोचो. Whatever you wish, think. Correct है अर्पित, correct है गुरुदेव. चलो अब एक बार वेट करो. बहुत बच्चों का बी पार्ट का आंसर आ जाएगा बिकॉज उन्होंने T2 T3 निकाल के जज कर लिया होगा कि ये AP है. Am I correct? और AP का फॉर्मूला उन्हें याद होगा. करेक्ट और नॉट? यस. आर यू विथ मी? यस सर. यस सर. यस, ये AP है इसलिए तुम निकाल लोगे, बट मैं नहीं चाहता कि तुम AP का फॉर्मूला यूज करके करो, क्योंकि वो तो मैं इजिली ब्रेक कर सकता हूँ. एन क्यूब डाल दूंगा प्लस 3n स्क्वायर. अब तो वो एपी नहीं होगी, तब तो अटक जाओगे ना. एग्री करो? यस सर. यस सर. तो मैं चाहता हूं कि एपी के बिना एक फॉर्मूला हमें डिस्कस करना है जो केदार बच्चे ने सही बताया. हाउ कैन यू जज कि एसएन की मदद से टीएन कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो. मैं एक स्टेप और लिखता हूं, लेट्स सी किसी को हिंट मिलता है क्या. देखना इधर, एसएन ये रहा और इसके पहले वाला टर्म है टीएन माइनस 1. Sn क्या, S20 क्या होता है? What is S20? So sum of first 20 terms. तो अगर मैं इसको S और something के बारे में लिखना चाहूंगा, तुम लिख सकते हो ना? Come on. Yes sir. क्या लिख सकते हो? Loud voice में बोलो, this is Sn equal to, ये जो मैंने underline किया है वो क्या है? Come on. S of Sn minus one. तो मैं तुम्हारे साथ यही फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता था कि Tn is same as S of n minus S of n minus 1. सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. बिल्कुल. देखो T2 क्या है? S2 minus S1 ही तो है. Come on. क्योंकि S2 क्या होता है? देखो T1 plus T2. S1 is same as T1. T2 ही आ जाएगा. देखो yes or no? Yes sir. Yes sir. तो देखो अब ये आराम से निकाल सकते हो. अब कैसे निकालेंगे? देखो
Tn is Sn. Sn कितना लिखा है मैंने? N square plus 3n. So Tn is n square plus 3n. अब come on, अगर Sn होता है तो n को n रखते हो तो ये आंसर आ जाता है. You tell me S of n minus 1 मतलब कितना होगा? N को हर जगह n minus 1 square plus minus. बस जितना मैं पूछूं उतना बताओ. N को हर जगह यहाँ पे क्या रख दूं? N की जगह किसे? N minus 1 whole square plus 3 times of n minus 1. क्या ये सबको स्टेप क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. क्या ये हर सीक्वेंस के लिए ट्रू होगा या सिर्फ एपी के लिए कर रहा हूँ मैं? बताओ जल्दी से. हर सीक्वेंस के लिए ट्रू होगा. तो n square plus 3n इसको ओपन कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक, फिर कोई डाउट हो तो पूछना. कॉपी ये कौन है? देखो कौन डिस्टर्ब कर रहा है, उसको एक वार्निंग दो, नहीं तो बाहर निकाल देना. उसके बाद बच्चे डिस्टर्ब मत कर, माइक्रोफोन ऑन मत रख. तो अगर हमें Sn दे रखा है तो उससे Tn बहुत जल्दी से निकल जाता है. S of n minus S of n minus 1. Actually पूरे चैप्टर में क्या निकालना डिफिकल्ट होगा, Sn या Tn? What do you think? Sn. Sn. Sn निकालना ही पूरा चैप्टर है, सीरीज. फिनिश इट ऑफ यहाँ तक, फिर बात करते हैं आगे. So, can you explain formula part again? अभी कॉपी कर और खुद समझने की कोशिश कर. बीच बीच में नहीं, मैंने क्या बोला था? पूरा कॉपी कर, फिर उसके बाद कोई डाउट बचे तो वापस पूछना. यस अनुगीतिका, ये पहले भी बोल दिया मैंने, सीरीज इज द समेशन ऑफ अ सीक्वेंस. यहां तक कॉपी हो गया सबका? यस सर. अच्छा, ये फॉर्मूला एक बार और समझा रहा हूँ, सुन लो. जैसे अगर मैं बात करूं, देखो क्या S20, तो S20 क्या होता है? T1 plus T2 plus up to T19 plus T20, यही होता है ना? करेक्ट. सो अगर मैं बोलूं कि T1 plus T2 plus T19 को किसी लेटर से डिनोट करोगे तो क्या करोगे, बताओ तो खुद ही. समेशन ऑफ फर्स्ट कितने टर्म? 19 टर्म्स प्लस T20 हो गया. देखो सो देयरफॉर अगर मैं S19 को उधर ले जाऊं तो T20 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? S20 minus S19. Agreed all of you? Yes. Yes. Yes, sir. In general, यही तो लिखा है. देखो Tn क्या हो जाएगा? S of n minus S of n minus 1. Minus 1. क्या ये क्लियर है सबको फॉर्मूला अब? Yes, yes, sir. Yes, sir. So, can I say, previous page पे लिख देते हैं जहां हमने जगह छोड़ी थी एक लाइन की, कि नोट Tn is equals to S of n minus S of n minus 1 can be used to find general term when Sn is given. Can be used to find general term if S of n is given. हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो देन ही और शी कैन आस्क. कोई डाउट बच्चों? नो सर. नो सर. चलो फिर आगे बढ़ाते हैं. हेडिंग लिखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक
arithmetic sequence, arithmetic progression. Sequence progression एक ही बात है तुम्हारे लिए. Arithmetic sequence, arithmetic progression. Short में हम इसको कैसे denote करेंगे? AP. कुछ example बता रहा हूँ. तुम बिल्कुल predefined कि पहली बार पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना मेरे साथ. Okay? तो बस मुझे rules देखो और बताओ कि rule क्या है. See the numbers that I'm writing and see the pattern, see the rule जो हर sequence को AP बनाएगा. देखो 2, 5, 8, 11, 14 is the sequence. और लिख रहा हूँ मैं, बार रुक जाओ अभी. 5, 3, 1, -1, -3 is also sequence. 3, 5/2, 2, 3/2, 1 and so on is a sequence which is an AP. All these are an AP. अच्छा, तो बताओ क्या rule है इसका? The difference between consecutive terms is the same. तो बस बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है. क्या डेफिनेशन बोली है? डिफरेंस. बोलो क्या बोलोगे? The difference between the common difference between two consecutive terms is constant. Can I say is constant? Yes sir. क्या डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव होना है या नेगेटिव भी हो सकता है क्या? Yes sir. Anything. बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, क्या डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है? क्या डिफरेंस जीरो भी हो सकता है? नो सर. प्रोग्रेशन एक बार नेचुरल नंबर होना चाहिए ना. शॉर्ट में डिफरेंस जीरो हो गया मतलब अगर फर्स्ट टर्म टू है तो हर टर्म ही टू हो जाएगा ना. यस सर. तो देखो डेफिनेशन तो हमने पूरी कंप्लीट एक्चुअली डेफिनेशन लिख दी है. डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. तो कैन आई से इस सीक्वेंस 2 टू 2 का भी डिफरेंस तो कांस्टेंट ही है, भले जीरो है. कम ऑन, एग्री करो. यस सर. इसको भी एपी बोलते हैं बट इसके बारे में पढ़ने तो बेवकूफपंती है. एग्री करते हो? ये तो स्पेशल केस है. यस सर. ये तो स्पेशल केस है जिसका सम वम निकालना सब हाथ के मैल के बराबर है. वी नो एवरीथिंग ऑफ दिस. जनरल टर्म क्या है? 2. करेक्ट और नॉट? यस सर. हाँ, तो उसके बारे में पढ़ने की कोई मतलब, लेकिन हाँ वो भी एक एपी होती है, वो जीपी भी है, वो एपी भी है. धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. बट आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट कि 2 टू 2 इज आल्सो एन एपी. यस सर. बस डेफिनेशन यही है कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट टर्म दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म माइनस द करंट टर्म या प्रीवियस टर्म जो भी बोलो इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉमन डिफरेंस. इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय विच लेटर? डी. जल्दी से लिखना चालू कर दो. यहाँ तक आ जाओ. एग्जाम्पल सारे मत लिखना, एक ही लिख देना. डेफिनेशन लिखो और फर्स्ट टर्म लिखो. डी कौन है? कॉमन डिफरेंस द कॉन्स्टेंट टर्म. मतलब D की वैल्यू क्या होगी? T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 बच्चों? T2 माइनस T1. In general, D is T of N minus T of N minus 1. यहाँ तक कॉपी करो पहले, फिर आगे की बात. सर AP imaginary numbers में भी follow होगा? हाँ हाँ, उसके लिए भी होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी AP बोलते हैं. बट बीच में अभी नहीं बच्चे, आराम से पूछ लेना. मैं जब बोलूं ना डाउट पूछ तब पूछना. बीच में क्या तू किसी और टॉपिक पे ले जाएगा, कोई और बच्चे का थॉट डाइवर्ट हो जाता है. सून एज आई एम फिनिश्ड विद द थ्योरी मैं बोलूंगा कोई डाउट पूछना हो तब इधर उधर के डाउट भी पूछ लेना. तब तक कंट्रोल कर. कॉपी करो यहाँ तक. कॉमन डिफरेंस कर लिया कॉपी सबने? यस सर. चलो जल्दी से मेरे साथ रैपिड फायर खेलो कि अगर मैं पूछूं T1 माइनस T2 उसको D के टर्म्स में क्या लिखोगे? T3 माइनस T1 कितना हो जाएगा D के टर्म्स में? 2D. T3 माइनस T4 कितना हो जाएगा?
आई होप क्लियर है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. कोई डाउट यहाँ तक? सेकेंड फर्स्ट टर्म को हम एपी में किस लेटर से डिनोट करेंगे? या तो टी वन से करेंगे, हम ए से डिनोट करेंगे. एंड नेक्स्ट टर्म इज, अगर फर्स्ट टर्म ये है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? गैस करो. A plus A plus D. A plus D. A plus D. किसी को डाउट? नो सर. नो सर. तो एक जनरल एपी को हम क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, बताओ? अ जनरल एपी कैन बी एज्यूम्ड एज व्हाट? A देन A plus D. A plus D. A plus 2D. A plus D. And so on. I hope you agree with me. Yes sir. Yes sir. तो अभी जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब दोगे. अब मैं जनरल टर्म पूछने वाला हूं, पूछ नहीं रहा हूं. तो मैं सबको पैटर्न दिखा रहा हूं, देन यू टेल मी जनरल टर्म टी आर कितना होगा. पैटर्न देख लो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. देखो टी थ्री में टू डी आ रहा है, ए प्लस थ्री डी में टी फोर आ रहा है. तो लाउड वॉइस में बता दो टी आर का क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस एन माइनस वन डी. क्या सबको क्लियर है? जनरल टर्म टी आर इज ए प्लस आर माइनस वन डी. Yes, sir. देख लो, R को 4 रखूंगा तो T4 आ जाएगा. कितना आ गया T4? A plus 3D, ये रहा. अगर मैं R को 10 रखूंगा तो मेरे पास T10 आ जाएगा. कितना हो जाएगा? A plus 9D. अगर मैं तुमसे पूछूं A plus 20D कौन सा टर्म है, 21st या 20th? 21st. 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 क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अच्छा मैं TR को आप TN लिख दूं तो कोई पाप कर दूंगा क्या? Nice. No, sir. Sir. हाँ? कोई पाप कर दिया क्या मैंने? No. No, sir. TN भी यूज करते हैं. TN is also denoting last term also and general term also. Are you comfortable with that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तो कॉपी कर लो फटाफट. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन को होस्ट, मैं वहां देख ही नहीं रहा हूं. जो भी लिखना हो होस्ट पे लिखा करो. तो जनरल टर्म का ही फॉर्मूला बताया अभी तक, समेशन की बात नहीं की है, प्रॉपर्टीज की बात नहीं की है, वो नेक्स्ट टॉपिक्स है. सिर्फ जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, एन एन आर बिल्कुल हमारे लिए सेम है. जनरल टर्म को हम टी आर भी लिखते हैं, टी एन भी लिखते हैं. TN हम एक्चुअली लास्ट टर्म के लिए भी लिखते हैं, इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए TR कर देते हैं. बट जब हमें कंफर्टेबल हो जाएगा तो कोई भी यूज करो, इट डजंट मैटर. कोई डाउट किसी को ना पूछ सकता है? कैन आई गो फॉर नेक्स्ट पेज देन? यस सर. यस सर. यस सर. एवरीवन डन? यस सर. डेफिनेशन क्या होगी? तेज बोल बच्चे, क्या बोल रहा है? सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एन एपी? तो तू क्या अभी जग के आया क्या? अभी जगह है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ? So, वो डी है. क्या? कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन है ना? बच्चे ये एपी की डेफिनेशन है. ये एपी नहीं है क्या? डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटेड टर्म्स इज कांस्टेंट. हाँ, यस सर, गॉट इट. उसको एपी बोलते हैं. और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बच्चे, बता? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बता दे. चल, कितना है? थ्री. सेकंड के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस टू. माइनस टू. थर्ड के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस वन बाय टू. वन बाय टू. अगर मैं ऐसा दे दूं, देख, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? वो एपी नहीं है. ओके, वेरी गुड. बस हो गया, तेरी डेफिनेशन आ गई. करेक्ट? यस सर. चलो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी से चालू करेंगे, फिर डिफिकल्टी डिफिकल्टी बढ़ाएंगे. फॉर द सीक्वेंस
minus 3, 1, 5, 9, 13 and so on. Find first part, general term. Second part, 20th term. Third part, which term is 73? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई गलती नहीं चाहिए. जनरल टर्म निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है बताओ फॉर्मूला में. हाउ मेनी थिंग्स यू रिक्वायर फॉर जनरल टर्म? ए एंड कॉमन डिफरेंस. ए एंड कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट? कुछ नहीं, बस ए एंड कॉमन डिफरेंस. आर के टर्म्स में ही होता है ना बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स. यस, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, वो तो उसी के टर्म्स में होता है ना बच्चे. टी एन क्या लिखते हैं हम? 2+5d ऐसे लिखते हैं, 2+5n सॉरी. ठीक है, तो जल्दी से ए निकालो, डी निकालो, जनरल टर्म लिखो फटाफट. कम ऑन, इज दिस सीक्वेंस एन एपी? पहली बात. यस सर. यस सर. यस सर. तो फर्स्ट टर्म कितना है? -3. तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 4. तो इसका जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला हो गया? ए प्लस एन माइनस वन डी. तो कितना आंसर हो गया? माइनस वन. 4+n-1 -3 ओपन करा तो कितना आ गया? सॉरी उल्टा लिख, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया. -3+n-1 -4 करेक्ट ना बच्चों? -4n-7. चलो करो आगे, दोनों पार्ट करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं. फिनिश इट ऑफ फटाफट. सर हो गया. आंसर चैट पर लिख दे. लिख दिया. अच्छा सेम ही आ गया क्या आंसर? ओके. मैं तो रैंडमली पूछा था. एक और पार्ट कर दो. विच टर्म इज 37? एक और कर देना. वन मिनट फॉर ऑल द थ्री पार्ट्स, फिर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं. वेरी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं कराऊंगा, खुद से करो. कम ऑन सर. डन. शुभम आंसर चेक करो, पार्ट चेक करो. सर डन. बाकी सबका सही है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ. सबका सही. चलो आई थिंक सबने कर लिया. बताओ 20th टर्म कैसे निकलेगा? जनरल टर्म से निकलेगा ना बच्चों? एंड को 20 रख दो. Yes, so, and 20 रख दिया तो 4 × 20 - 7, 80 - 7 = 73. तो इसलिए ये C part तो फालतू हो गया. Can I say that is 20th term? खत्म ना? Yes sir. Yes sir. अब which term is 37? तो हम general term में लिखेंगे और वहां से n की value निकालेंगे. General term से लिख देते हैं. General term कितना है? 4n - 7. So tn की value 37. उसके लिए n निकालना है. 44 = 4n, n = 11. तो 11th term या 10th term? कुछ confused हो जाते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ. 11th term. किसी को doubt यहाँ तक? No sir. चलो फिर next question. 5 seconds है, कुछ copy करना तो कर लो भाई, कोई slow हो तो. अच्छा ठीक है, पार्ट में गलत ध्यान दो. ओके आई थिंक हो गया होगा. फॉर एन एपी ए फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म
is minus 11. And fourth term is 13. Then find first part, common difference, second part, number of terms, third part. Value of the numerically value क्या करेंगे? Which term is algebraically least term? Which term is numerically least term? इसका क्या मतलब होगा algebraically और numerically का difference, वो तुम खुद सोचोगे, otherwise later on मैं समझाऊंगा. First और second part तो फटाफट निपटा दो, come on. करेक्ट शुभम, आगे बढ़ो. एक एक पार्ट का आंसर मत लिखो, कम से कम ए और डी और एन तो एक साथ बताओ मुझे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं. फर्स्ट पार्ट का आंसर माइनस 4/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 22. नहीं आ रहा है तो वापस ट्राई करो, आई विल टेल यू कैसे आया बाद में, बट ट्राई करो. जिनके पहले दो सही हो गए वो सोचो एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली में क्या डिफरेंस होगा और फिर उनकी वैल्यू निकालो, उनका आंसर निकालो. क्या किसी बच्चे को ए पार्ट और बी पार्ट में डाउट है तो उनके लिए मैं सॉल्व करूं? एनीबॉडी? नो सर. नो सर. है तो बताओ यार बच्चों, हम सब नालायक हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डाउट? यस सर. नो सर. ओके, एक आध बच्चे को डाउट है फटाफट सुन लेंगे मेरे साथ. देखो इधर फर्स्ट टर्म दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है, वहां से तो तेरा कॉमन डिफरेंस ही आ जाएगा. फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, जल्दी से बताओ. a प्लस 3d इज 13. क्या a की वैल्यू दे रखी है? क्या दे रखी है ना? यस सर. 17 प्लस 3d इज इक्वल टू 13. सो 3d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? -4. सो d की वैल्यू हो गई -4/3. एवरीवन कंफर्टेबल टिल नाउ? यस सर. अभी जैसे तुम समझ रहे हो तो मेरे साथ समझो, डोंट बॉदर अबाउट कॉपिंग, कॉपिंग बाद में कर लेना बच्चों. अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएगा बताओ, कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? और डी की वैल्यू दे रखी है -4/3. बस एन सा निकालना है बच्चों. तो -4/3 इनटू एन -1, 17 को राइट साइड में ले गए -28. माइनस से माइनस उड़ गया, 4 से ये 7 हो गया, n -1 is 21, n is 22. होना चाहिए था ना एवरीवन? यस सर. यस तो अब मैं एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली का हिंट दे रहा हूं, तुम सोचो. सब बच्चे सोचेंगे. एल्जेब्रिकली का मतलब होता है सब साइंस के साथ, मतलब प्लस माइनस मैटर्स, उसके साथ लीस्ट वैल्यू कौन है? यहां तक थोड़ा हिंट मिली? थोड़ी, मैं पूरा नहीं समझा रहा हूं, थोड़ी हिंट मिली?
एल्जेब्रिकली मतलब साइन के साथ प्लस माइनस मैटर्स कि प्लस फोर और माइनस फोर न्यूमेरिकली सेम है क्योंकि उन दोनों का मॉडुलस सेम है. कम ऑन एग्री करो. न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड होता है. प्लस फोर एंड माइनस फोर आर न्यूमेरिकली इक्वल. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस यस सर. बट एल्जेब्रिकली कौन मिनिमम है प्लस फोर और माइनस फोर में? माइनस फोर. चलो बस इतना हिंट काफी है. सी पार्ट और डी पार्ट करो जल्दी से. बहुत बच्चे गलत दे रहे हैं इसका आंसर. सोच के करो. मैंने टर्म की वैल्यू पूछी है. कौन सा टर्म है? विच टर्म नंबर है ना. वैल्यू नहीं पूछी है. ठीक है ना. विच टर्म नंबर इज एल्जेब्रिकली लीस्ट. विच टर्म नंबर इज न्यूमेरिकली लीस्ट. एक बच्चे ने बिल्कुल सही दिया. सानिध्य ने. वेरी गुड. दोनों पार्ट का एक साथ चाहिए मुझे. चलो सी पार्ट दे रहे हो तो लिखो फिर. सी पार्ट का ही है. अमन करेक्ट. सुमित करेक्ट. सार्थक करेक्ट. सानिका करेक्ट. एल्जेब्रिकली लीस्ट के लिए कुछ निकालने की जरूरत है क्या बच्चों? कम ऑन. नहीं. अच्छा ऑल ऑफ यू आंसर मी दिस क्वेश्चन. इज दिस टर्म इंक्रीजिंग एपी या डिक्रीजिंग एपी? सर डिक्रीजिंग एपी. तो ये हमेशा ही डिक्रीज हो रहा है ना. देखो फर्स्ट टर्म 17 है फिर फोर्थ टर्म कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो हमेशा कम ही होता जाएगा ना. कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. देखो फोर्थ टर्म 13 हो गया. लास्ट टर्म तो माइनस 11 हो रहा है. इज दिस अ डिक्रीजिंग एपी ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. यस सर. तो बताओ हर टर्म अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो वैल्यू वाइज प्लस माइनस मैटर्स. सबसे छोटा टर्म कब होगा? लास्ट टर्म. कम ऑन. यस सर. यस सर. क्या सबको क्लियर है? लास्ट टर्म 22nd टर्म विल बी द एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म. क्या ये सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो. Since it is a decreasing AP. Decreasing AP कैसे पता लगता है? Common difference negative है. So therefore, last term will be the algebraically least. वो तो होगा ही होगा क्योंकि सब decrease कर रहे हैं. Which be algebraically least. किसी को doubt C part में? No sir. चलो अब D part सोचो. Come on. I want you to think. सोचो. अब थोड़ा आंसर सही आ रहा है. सनिका करेक्ट. सुमित गलत. निशांत करेक्ट. पार्थ अरोरा करेक्ट. पूर्णा करेक्ट. देव ठक्कर करेक्ट. हार्दिक करेक्ट. अमन गलत. अर्पित गलत. साम्याक गलत. नवीन गलत. तुम बताओ माइनस वन और माइनस ट्वेंटी में न्यूमेरिकली लीस्ट कौन है? माइनस वन और माइनस ट्वेंटी में माइनस न्यूमेरिकली. हाँ माइनस वन. क्या माइनस वन और माइनस ट्वेंटी में दिस इज न्यूमेरिकली लेस टर्म? न्यूमेरिकली लेस टर्म. सबको क्लियर है ना क्योंकि मॉडुलस इसका कम है. ये वन ही है. ये तो 20 है. दिमाग लगाओ. दिमाग है तो दिमाग लगाओ. कुछ बच्चे तो दिमाग भी नहीं लगाते हैं. हर्ष करेक्ट. गुरुदेव करेक्ट. आप सही आ रहा है थोड़ा आंसर. आर्यन सही. तनिषा गलत. ध्रुबा गलत. जीरो आएगा तो लीस्ट होगा. नहीं आएगा तो नहीं होगा बच्चे. एब्रोनल क्लियर बच्चे? जीरो आएगा तो देखो चेक तो करना पड़ेगा ना. पहले आना तो चाहिए ना. एब्रोनल. सुमित करेक्ट. अनुषा रॉन्ग. सनिका नो. प्रथमेश करेक्ट. चलो मेरे साथ देखो. इनफ टाइम हैज बीन गिवन. ऑल ऑफ यू अच्छी तरह समझो. इधर देखो. लिखना बंद. देखना चालू.
सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, लेट्स से बीच में कोई टर्म मान लो है ना, मैं तो रैंडमली बोल रहा हूँ 14th टर्म एंड लेट्स से 22nd टर्म, लेट्स से ये सारे पॉजिटिव टर्म है और लेट्स से ये सारे नेगेटिव टर्म है, जीरो है नहीं, जीरो आएगा तो तुम निकाल लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है तो कुछ पॉजिटिव होंगे ना, लास्ट पॉजिटिव भी होगा ना। यस सर। यस और नो एवरीवन? यस सर। ऑफ ए टर्म डिक्रीज होते जा रहे हैं तो नेगेटिव में बढ़ते जाएंगे ना, नेगेटिव साइड में बढ़ते जाएंगे ना। यस सर। यस सर। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें एवरीवन? 17। फिर फोर्थ टर्म हमें कितना दे रखा है? 11 है ना, नहीं 13, फोर्थ टर्म 13 दे रखा है। तो आई होप सबको दिख रहा है कि सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है तो किसी टर्म के बाद वो नेगेटिव साइड पे भी जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री ऑर नॉट? यस सर। जीरो नहीं है, जीरो होगा वो तो तुम्हें पता लग जाएगा, जीरो के बारे में सोचो भी मत, वो मैं बता भी दूंगा। तो अब बताओ अगर 13 टर्म तक बाय द वे पॉजिटिव है और 14 टर्म से नेगेटिव हो रहा है, सोच समझ के बोलना, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारा न्यूमेरिकली लीस्ट या तो 13 होगा या 14 होगा? कम ऑन एग्री करो। सीक्वेंस ऐसी होगी 17 है, फिर कुछ 13 हो रहा है, फिर कुछ 1 हो रहा होगा, फिर मान लो -2 हो रहा होगा, फिर -5 हो रहा होगा। तो जब तक मुझे पता नहीं लगा कि 1-2 है या 1-0.2 है, तो 1-2 में देखो ये लिस्ट है, बट 1-0.2 में तो ये लिस्ट है ना। कम ऑन एवरीवन। तो कहना ही से एटलीस्ट की कहानी तो इन दोनों की है। कम ऑन। यस सर। बिना वैल्यू बताए हम तो नहीं बता सकते ना कि 13 या 14 में से कौन लिस्ट होगा, हमें चेक तो करना ही पड़ेगा ना। एवरीवन। यस सर। तो हमें 13 या 14 और अगर 0 आ रहा है तो वो भी देखना ही पड़ेगा, देन ओनली वी कैन जज कौन सा न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म है। सो हम क्या निकालेंगे, लेट्स फाइंड आउट कौन सा लास्ट पॉजिटिव टर्म है, लास्ट पॉजिटिव टर्म या फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल लेते हैं, चलेगा ना एवरीवन? फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? तो कैसे निकालूंगा, फर्स्ट या तो हिट एंड ट्रायल से निकालो या फिर tn greater than equal to 0, उसका less than 0 होना चाहिए। ओके करो जल्दी से। यस सर। यस सर। a plus n minus 1 into d नेगेटिव होना है, उसके लिए मिनिमम n क्या होगा वो निकालना है, निकालते हैं। फर्स्ट टर्म इज 17, n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस इज -4/3 इज लेस देन 0, तो इस पूरे टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, कितना आ गया 4/3 into n minus 1 is greater than 17, so n minus 1 is greater than 51/4, so n minus 1 is greater than this, 51/4 की वैल्यू कितनी होती है roughly, 12.75, so n 13.75 से बड़ा होगा तभी वो नेगेटिव आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस यस। देखो इधर थोड़ा सा सोचो यार, tn less than 0 के लिए हमने आंसर निकाला, मतलब अगर n को मैं 13.75 से बढ़ा लूंगा तो फिर वो टर्म नेगेटिव होगा। एवरीवन एग्री ना? यस सर। तो बताओ कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा टर्म है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज व्हिच टर्म? 14 टर्म। तो देयरफॉर फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म वी शुड कंपेयर व्हिच टर्म्स? कम ऑन बताओ। 13th and 14th, क्योंकि उन दोनों की कहानी कुछ भी हो सकती है, जब तक हम निकालेंगे नहीं हमें पता नहीं है। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes sir. Yes sir. ठीक है, निकाल लो जनरल टर्म। Yes sir. है वही ना, जनरल टर्म कहाँ गया? ठीक है, a plus n minus 1 d 17 plus 13 minus 1 into minus 4 by 3, तो कितना हो गया 17 plus 12 into minus 4 by 3, 17 minus 16 is 1. अब T14 वापस फॉर्मूला डालने की जरूरत तो ना है, 1 plus D ना, everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So 1 yes, sir. minus 4 by 3 is minus 1 by 3. तो देखो 13 term 1 है, 14 term minus 1 by 3 है, फिर negative side पे जा रहे हैं, यहाँ पे positive side पे जा रहे हैं, बताओ कौन सा numerically least term है? Minus 1 by 3. Minus 1 by 3. The numerically least, तो numerically least number कौन सा है? 14th. 14th.
मैं समझाऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा रहने दे, जब मैं पूछूं कोई डाउट हो तब पूछ, तब तक अपना कंट्रोल योर इमोशंस। क्लियर बच्ची? यस सर। एकदम से पूछना नहीं। तो न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म कौन सा है? 14 टर्म है। यस, ये मैंने सिस्टमैटिक मेथड किया है। तुम तो हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो ना, कम ऑन एग्री करो। टर्म को रैंडमली गैस करें, थोड़ा थोड़ा गैस करें, 14 निकाला, 20th निकाला और तुम्हें हिट हो गया, चलेगा। उसमें क्या, हिट एंड ट्रायल इज हिट एंड ट्रायल। But if you ask me the solid method, this is the solid method. But yes, absolutely hit and trial, बिल्कुल करना चाहिए इस question के लिए, करना चाहिए। क्या ये सबको clear है अब? Yes sir. Yes. Yes sir. Yes sir. तो चलो जो copy करना करो, उसके बाद कोई doubt हो तो पूछना, copy करो फटाफट। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा एज यू आर कॉपिंग, थिंक ऑल्सो हाउ डू आई नो कि यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है? अगर जीरो आता तो विल दैट बी न्यूमेरिकली लिस्ट? अगर आता तो न्यूमेरिकली लिस्ट वही होता क्या? नहीं सर। हाँ वही होता ना, ऑब्वियसली जीरो और माइनस 1/3 में न्यूमेरिकली कौन कम है? जीरो और माइनस 1/3 में जीरो है ऑब्वियसली। अगर आता तो होता बिल्कुल, बट हमें कैसे पता लगता आता? या फिर यहाँ की, यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे n इक्वल टू n ग्रेटर देन 13 आता तो मुझे पता लगा, मुझे पता लग जाता कि 13 टर्म पे जीरो हो रहा है। कम ऑन एग्री करो, यहाँ पे इक्वलिटी मतलब यहाँ पे इक्वलिटी। तो n tn इक्वल टू जीरो कब हो रहा है? एक्चुअली n इक्वल टू 13.75 पे हो रहा है। क्या n 13.75 हो सकता है क्या? नो सर। नो सर, मतलब यहाँ पे जीरो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे देयर इज नो टर्म जीरो। कॉपी करो। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, बट उस पर मैंने तुम्हारे न्यूमेरिकली और एलजेब्रिक डाल के सोचने पे तुम्हें फोर्स करा ना बच्चों। यस yes. सुनो yes, हाँ, तो वही हमें माइंड का शार्पनेस बढ़ानी है धीरे धीरे ऐसे ही। किसी को डाउट आप पूछ सकता है एनीथिंग? Sir, I was asking that 13.75 is closer to 14, right? So, मतलब अगर zero होता नहीं, बच्ची, there is no closing thing here. यहाँ पे हम equality का मतलब क्या, तू बता। अगर मैं यहाँ पे greater than ये वाला part हटा दूँ, तो इसका मतलब equal to zero n equal to 13.75 पे ना, come on? हाँ sir. But कोई 13.75 n denotes what? Term number. हाँ sir. 13.75 कोई term होता है क्या? नहीं sir. तो फिर देयर इज नो मीनिंग ऑफ एप्रोक्सीमेशन हियर। एप्रोक्सीमेशन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्लियर बच्चे? यस सर। सर tn ग्रेटर देन 0 से भी ढूंढ सकते हैं ना? हाँ अरे यार ऑब्वियस है यार, तू कान को यहाँ से पकड़, यहाँ से पकड़। मैंने फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पकड़ा, फर्स्ट नेगेटिव निकाला, तू लास्ट पॉजिटिव भी निकाल सकता है ना बच्चे? यस सर। करेक्ट और नॉट? मैं वही कह, बस बिल्कुल निकाल सकता है वही सीट। कोई और डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन और करो। इन एन एपी, इफ टीपी इज क्यू, इफ टीक्यू इज पी, अंश नाम के बच्चे को रिमूव कर दो। यस, कोहोस्ट किसको बनाया था मैंने भाई? एक्टिव नहीं हो तो क्या तुम? किसको बनाया था? निकाल दिया, उड़ा दिया। हाँ जी यस। अच्छा फील हुआ क्या उड़ाते वक्त? सर क्या ही फीलिंग है। चलो निकालो बच्चों, फाइंड द टीआर इन टर्म्स ऑफ पीक्यू एंड आर। ये क्या मतलब है टीपी इज क्यू, इसका कोई मतलब समझाएगा क्या? What is the meaning of this? PH term is Q. NH term is M. MH term is Q. जगह P लगा दिया। बिल्कुल सही, PH term की value Q है। करो ये जल्दी से question बच्चों। ये CBSE मतलब ये board type का question है, तो don't disappoint me in this.
दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकालोगे, कौन से दो वेरिएबल? ए एंड डी, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। जल्दी निकालो फिर। बिल्कुल करेक्ट गुरुदेव। एक इक्वेशन मैंने लिखी है, दूसरी इक्वेशन तुम लिखो, ए और डी के लिए सॉल्व करो जल्दी से बच्चों। प्रथमेश करेक्ट, कुशल, ये क्या नाम है भाई? कुशल नाम है या तेरा कुशल ही नाम है? हैं चैम्बर का बच्चा सर? कुशल। कुशल तो ये कहाँ खा गया तू? व्हाट सर? तेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है अभी, के यू एस एच एल। हाँ सर, वो वैसे ही नाम रखा था अभी, क्या बोल गया। ओके ओके, करेक्ट है बच्चा तेरा। हर्ष भी करेक्ट। आयुष, ये आयुष मिश्रा बहुत जूते खाएगा, जल्दी से माइक्रोफोन ऑन कर बच्चे। आयुष मिश्रा, बच्चे तू हर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब गड़बड़ इस सेंस में कि जो पूछा है वो नहीं, कुछ और ही बता रहा है मुझे। क्या पूछा है मैंने क्वेश्चन में? आंसर किसका पूछा है बता? द जनरल टर्म। और तूने क्या दिया आंसर देख? सर मैंने कॉमन डिफरेंस दिया। फिर क्यों ऐसा कर रहा है? और वो भी सिंप्लीफाई भी नहीं किया है। कॉमन डिफरेंस देखो दिखना चाहिए, कैंसिल हो रहा है, माइनस वन आ रहा है बच्चे, देख। यस सर, यस सर। ध्यान से कर यार, ऐसे एग्जाम में भी फिर गलती करेगा तू कि पूछा कुछ और है और कुछ और लिख के आ जाएगा। ध्यान से कर। ओके सर। तो सुनते ही देख, कुछ और करा तूने भी। पार्थ अरोरा, मैंने टी आर पूछा है और वो भी पी क्यू आर के टर्म्स में, ना तो मुझे ए पता है क्या है, ना मुझे एन पता है क्या। देव ठक्कर करेक्ट, सानिध्य करेक्ट, यश करेक्ट, परना करेक्ट। अब मैं सेकंड इक्वेशन भी लिख रहा हूँ, टी क्यू इज इक्वल टू पी है, सो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज पी। बच्चों दोनों इक्वेशन से ए और डी निकालने के लिए सबसे फास्ट तरीका क्या है? दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? एवरीवन सब्ट्रैक्ट, डायरेक्टली डी निकल जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डी निकल जाएगा ना बच्चे। करेक्ट पढ़ना, करेक्ट शुभम, करेक्ट स्वारा, करेक्ट आस्था, आस्था सिली मिस्टेक, पूर्णा। अच्छा ओके, तू क्यों बता रहा है हर्ष भाई? प्यार अच्छा है या क्या है? मेरे बैच से ही अच्छा है। ओके रुद्रा करेक्ट, शिल्पी करेक्ट, आस्था पांडे आप सही हुआ। तू भी आस्था मुझसे पहले पढ़ी भी है ना 25 अप्रैल में? यस सर। निशांत गलत, दर्शना सिली मिस्टेक, सनिका करेक्ट। कोई बात नहीं, करो करेक्ट। बच्चों अब मैं रैप कर रहा हूँ, इनफ टाइम इज बीन गिवन टू यू, प्लीज सी हियर। दोनों को सबट्रैक्ट किया, ए कैंसिल हो गया। हमेशा कॉमन निकाला करो, अगर तुम्हें अभी तक आदत नहीं पड़ी है तो करो। इन दोनों में डी कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा? पी माइनस वन, माइनस ऑफ वॉट? क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? यस सर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, पी माइनस वन माइनस q प्लस वन इज इक्वल टू q माइनस पी। माइनस वन से माइनस वन गया, हमेशा कॉमन निकाला करो, तो d इंटू पी माइनस क्यू। अरे इतनी तो बटन जैसी आंखें नहीं है, p माइनस क्यू और ये q माइनस पी देख के माइनस ऑफ p माइनस क्यू दिखेगा ना, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। यूजुअली हम वेरिएबल को काटते नहीं है, बट यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है क्या, p इज नॉट q। एवरीवन करेक्ट ना?
Yes, किसी को डाउट कि कॉमन डिफरेंस माइनस वन आ गया यहाँ तक? ओके, अगर कॉमन डिफरेंस वन माइनस वन आ गया तो ए कहाँ से आएगा? है नाला को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल दो, टी को माइनस वन डाल रहा हूं अब मैं, ए माइनस वन इंटू पी माइनस वन इज क्यू, तो दोनों टर्म को उधर ले गए तो प्लस में हो जाएगा बस, ए इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन, ये आंसर आ गया ए का। ए आ गया, डी आ गया, तो अब कोई भी टर्म आ जाएगा ना बच्चों। तो अब मैंने जनरल टर्म पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, ए प्लस आर माइनस वन डी, माइनस वन डी, तो जनरल टर्म कितना हो जाएगा, ए कितना है क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन, ओपन कर देते हैं, क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस आर प्लस वन, वन से वन चला गया तो आंसर कितना हो गया, पी प्लस क्यू माइनस आर। क्या सबको समझ में आ गया? यस यस सर यस सर। तो सिस्टमेटिकली आना चाहिए था ना, ठीक है। चार तक तेरा भी सही था, तूने सिंपलीफाई नहीं किया, नादानी कर रही, लेफ्ट में आर राइट में एन। इसमें किसी को डाउट? अदरवाइज एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं बिफोर वी लीव फॉर टुडे, अच्छा वाला, थोड़ा सा बेटर। एवरीवन डन? यस सर। डन सर। चलो आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Find the number of common terms. Find the number of common terms of the two sequences. Seventeen, 21, 25, 29, and so on till 417. सोच समझ के करोगे क्वेश्चन, है ना? गलती नहीं। 16, 21, 26, 31 till 466. तो इन दोनों सीक्वेंस में कुछ कॉमन टर्म्स आपको दिख रहे हैं? पहला कॉमन टर्म तो दिख गया होगा? Yes. Yes, sir. दूसरा तुम सोच के निकाल सकते हो, और लास्ट कॉमन टर्म किससे गारंटेड बड़ा नहीं हो सकता बताओ? 466. अपनी बनाओ 417 अक्ल को जो डाला 417 417 से बड़ा नहीं हो सकता, 417 के बाद उसमें है ही नहीं, तो 466 तक कहां तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे हैं कदो? तो तुम्हें कितने कॉमन टर्म से वो निकालने, इज द क्वेश्चन क्लियर बच्चों? यस सर। चलो करो, थिंक सोच के करो, जल्दबाजी कोई नहीं है। व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं? 255? नहीं सर, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। हो सकते हैं पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। 300 हो सकता है। 300। श्रेयस नाम के लड़के, जूते मारूंगा मैं, एक कॉमन टर्म यार ऐसे क्या करता है यार, ध्यान से कर सर। डन। आंसर बताओ चैट पे बच्चे, मानस ने सही नहीं किया, श्रेयस ने सही नहीं किया,
पहला कॉमन टर्म कॉमन 21 है, दूसरा तुम गधे मजदूरी से सोच के भी करोगे तो भी कर लोगे वैसे तो, बट आई विल टेल यू द प्रॉपर मेथड. प्रथमेश करेक्ट आंसर, साम्याक सिली मिस्टेक. वंदना बिल्कुल करेक्ट. अच्छा बच्चों, बिफोर आई फॉरगेट, मैं होमवर्क लिंक्स स्क्रीनशॉट सब अपने नए मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा और उसका लिंक तुम्हारे एग्जिस्टिंग ग्रुप पे आ जाएगा. मैथ का नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसी पे सारा कम्युनिकेशन होगा, उसी पे प्रैक्टिस शीट भेजूंगा मैं, एक नई होमवर्क भी भेजूंगा उसी पे स्क्रीनशॉट, उसी पे रिकॉर्डिंग. तो आज रात तक ज्वाइन कर लेना, आज रात को मैं कल भेजूंगा बट आज रात को ज्वाइन कर लेना. क्लियर? यस. सबने सुन लिया बच्चों? Everyone heard? Yes, sir. Yes, sir. मैं आज नहीं भेजूंगा बट आज रात तक ज्वाइन कर लेना. I'll send you tomorrow. बट आज रात तक ज्वाइन कर लेना. और अपने this is group is only for students. कोई पेरेंट ज्वाइन नहीं करना चाहिए. तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो यू कैन ज्वाइन विथ योर पेरेंट नंबर, बट वो ग्रुप हमारे इंटरेक्शन के लिए, नॉट विथ योर पेरेंट. क्लियर? यस सर. यस सर. उसी पे सब होमवर्क आएगा, उसी पे इंटरेक्शन. अच्छा ये बताओ 21 के बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है? 21 के बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है? नो साथ. अरे यार मैनुअली तुम देख नहीं सकते क्या? ये बताओ, ये एपी है ना फर्स्ट वाली? एवरीवन सर. यस सर. कितना कॉमन डिफरेंस है? 21 है नेक्स्ट कॉमन. ओके. 29 के बाद क्या होगा? 33 के बाद क्या होगा? 37 के बाद क्या होगा? 41. ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड बता रहा हूँ. आई एम एग्रीइंग दिस इज नॉट अ गुड मेथड, बट मैं सोच रहा था कि कम से कम हिट एंड ट्रायल से तो बता दोगे, वो ही नहीं बता रहे हो तुम. अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 31 के बाद क्या आएगा? 36 के बाद क्या आएगा? 41. तो सबको सेकेंड कॉमन टर्म दिखा क्या? यस सर. कौन सा है? 41. फिर कौन सा होगा, गेस कर सकते हो? 61. तो अब सब बच्चे मेरे साथ सुनेंगे, देखना कितना परफेक्टली समझ में आएगा. देखो इधर. यस वी डोंट वांट टू डू दिस विथ हिट एंड ट्रायल जो हमने अभी करा है. अच्छा मेथड देखते हैं. इधर देखो, सी हियर विथ मी, कम ऑन. एक ट्रैफिक लाइट है, दो ट्रैफिक लाइट्स है, दोनों 0 सेकंड पे ब्लिंक हो गई. सुन रहे हो ध्यान से? 0 सेकंड पे ब्लिंक हो गई. पहली ट्रैफिक लाइट हर 4 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है, दूसरी ट्रैफिक लाइट हर 5 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है. वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों 0 मोमेंट पे ब्लिंक हो चुकी है. पहली ट्रैफिक लाइट 4 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है, सेकंड ट्रैफिक लाइट 5 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है. 4 एंड 5. तो बताओ साथ में कब ब्लिंक होगी? 20. LCM. तो कैन आई से कि हमारी कॉमन सीक्वेंस भी एक एपी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ 4 एंड 5. एवरीवन? यस सर. यस सर. क्या ये सबको समझ में आया? यस सर. यस सर. तो अगर 21 सबका कॉमन टर्म समझ में आया तो अब कॉमन डिफरेंस 20 के कारण ये तो समझ में आ गया ना कि 41 होगा, 61 होगा, 81 होगा एंड सो ऑन. क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस सर. Yes, sir. और तुम्हें अब बताना है कि कितने ऐसे टर्म्स है सच दैट TN हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 417. जल्दी से 1 मिनट के अंदर आंसर निकालो. कम ऑन. कितने टर्म्स होंगे कॉमन निकालिए. क्या ये सबको क्लियर है ना कि कॉमन सीक्वेंस इज एन एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 20 होगा? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, क्या ये सबको क्लियर है एलसीएम वाला फंडा? Yes, sir. चलो अब आंसर निकालो. आंसर बताओ. कितने कॉमन टर्म्स है 417 से पहले? 417 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो TN लेस देन इक्वल टू 417 कर दो, आ जाएगा. क्योंकि लास्ट कॉमन टर्म 417 भी हो सकता है नहीं, वो अलग बात है.
श्रेया करेक्ट, साईराम करेक्ट, शुभम रॉन्ग, निशांत करेक्ट, साम्यक करेक्ट, आर्यन करेक्ट, तनिषा सिली मिस्टेक, मानस करेक्ट। क्या लिख रहा है कार्तिक, पूरा लिख, आंसर लिख अब। और किसी का मैंने नहीं बोला तो वापस लिख दो बच्चों। हर्ष करेक्ट, अहमद करेक्ट, तनिषा मिस्टेक। चलो बच्चों, टाइम हैज बीन डन, नाउ सी हियर विद मी। सो वी हैव टू फाइंड एन जब तक लास्ट कॉमन टर्म 417 से छोटा होता है। तो कॉमन डिफरेंस, सॉरी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। सोच समझ के और लाउड वॉइस में बोलेंगे। यहाँ पे a कौन है? 21. अरे हम इस सीक्वेंस के लिए निकाल रहे हैं तो इसी सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म लिखेंगे ना नालायकों। यस सर। यस सर। एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना है? 20 इज लेस देन 417। एन की वैल्यू निकालनी हमें। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे बट ठीक है, मेथड हमेशा बेटर ही है। इज लेस देन 417 माइनस 21 बच्चों। सो 20 इनटू n माइनस 1 इज लेस देन कितना हो जाएगा? 396 आई थिंक, एम आई करेक्ट? यस यस सर। सो n माइनस 1 इज लेस देन 396 बाय 20, कितना हो गया? 39.6 बाय 2, दैट इज 19.8 से छोटा होना चाहिए n माइनस 1, दैट इज n 20.8 से छोटा होना चाहिए। क्या n 20.8 होता है क्या? नो सर। नो सर। मैक्सिमम कितने हैं? 20। So there are 20 common terms. सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes. Yes sir. सबको clear question? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. कोई doubt? No sir. तो अब homework मैं भेजूंगा, practice sheet एक छोटी बहुत, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। Next class में हम properties of AP करेंगे और summation of AP करेंगे, फिर थोड़ा momentum बनेगा। Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, practice sheet और booklet का जो भी homework भेजूंगा group पे कल, वो हम continue करेंगे, ठीक है? चलो, take care बच्चों, bye bye. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.